इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ नाइट फेरनेस क्रीम जो आप अपने फेस में लगाओगे और आपके फेस में एकदम फेरनेस आ जाएगी पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी उसके बाद उसको बनाने का तरीका बताऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी इसे लगाना कैसे है तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक जरूर देखना तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना अब मैं आप लोग को इंग्रेडिएंट्स बताने वाली हूँ हमें चाहिए कोकोनट ऑयल रोज़ वाटर आलमंड ऑयल ग्लीस एंड एलोवेरा जेल हमें सिर्फ़ और सिर्फ पाँच इन्ग्रीडियंट्स चाहिए ये पांचों इंग्रेडिएंट्स हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छे हैं और ये हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं हमारी स्किन को हमारी स्किन का कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाते हैं जिससे हमारी स्किन का कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर होने लगता है और हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं अगर ये सब मिल जाएगा आपके स्किन को तो आपके स्किन तो फेयर होनी ही है तो अब मैं आप लोग को बताऊंगी इसे बनाने का मेथड। सबसे पहले हमें चाहिए एक बोल और उस बोल में हम डालेंगे एक टीस्पून कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देता है कोकोनट ऑयल में एंटी एजिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं जो कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है कोकोनट ऑयल में विटामिन ई e भी होता है जो हमारे स्किन में सन टैन हुआ रहेगा वो भी उसको रिमूव करने में हेल्प करता है और उस कोकोनट ऑयल में ऐड करेंगे थ्री ड्रॉप्स ऑफ आलमंड ऑयल आलमंड ऑयल स्किन की कंडीशन को अच्छा करता है इसमें भी विटामिन ई e जला हुआ है ये आपकी सन रेस से सन टाइन को रिमूव करने में हेल्प करता है आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और खोया हुआ ग्लो और शाइन वो वापस ला देता है आलमंड ऑयल में बहुत सारे विटामिन होते हैं ए बी डी ई हमेशा आलमंड ऑयल आपके स्किन केयर का पार्ट होना चाहिए उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे वन टी ऑफ ग्लीसरिन ग्लीसरिन हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि वो हर एक टाइप ऑफ स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है वो कुछ नुकसान नहीं देता आपके स्किन को और फिर उसमें हम ऐड करेंगे थ्री ड्रॉप्स ऑफ रोज़ वाटर रोज वाटर रोज वाटर एक बूस्टिंग टोनर है ऑलरेडी वो एक बहुत ही अच्छा टोनर है जो आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है और आपके स्किन को हाइड्रेट बना के रखता है रोज uh, वाटर आपके स्किन की पफिनेस को और रेडनेस को भी कम करने में हेल्प करता है ज़्यादा रोज वाटर ऐड नहीं करना वरना इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम लिक्विड हो जाएगी और वो क्रीम जैसे आपको नहीं लगेगा और उसके बाद फिर हम उसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल फेस में जो स्कार्स हैं पिम्पल्स हैं उन सब के लिए और ऑयली स्किन के लिए भी ये सूट करे इसीलिए हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल एलोवेरा हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि एलोवेरा में विटामिन ए विटामिन सी विटामिन ई e है और वो हमारे कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और हमारे स्किन के रिंकल्स और डेड सेल्स को और आ, स्कार्स को सबको रिमूव करने में हेल्प करता है अगर आपको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है तो आप भले एलोवेरा जेल ऐड मत करो तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लो और अब मैं बताऊंगी आपको इसे लगाने का तरीका इसे आपको लगाना कैसे है सबसे पहले आप अपने फ़ेस को अच्छे से क्लीन कर लो आप क्लीनजिंग मिल्क से ही क्लीन कर लो या फिर अच्छे से फेस वॉश कर लो कोई भी माइल्ड फेस वॉश यूज़ करना उसके बाद आप अपने फेस में ये क्रीम रात को लगा कर सो जाओ बस दैट्स इट और आप ऐसे ही इस क्रीम को रोज़ रात को लगाएं और प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा यूज़ करने के बाद that's it for this video or thank you guys for watching this video bye see you in my next video